जो लिखो जो लिखो हरी बहुत जिंदा फर्क है रे दाढ़ी में। काय पापा तुम उस चुन्नू की बाइक की सेफ्टी में क्या कर रहे? बुलाओ तो बेटा उन्हें मेरे वे खिला दे। तो पूरे मोहल्ला भर के नहीं बुलाओ तो रहते हैं है। उनको खसम ढूंढ रहा तू है काय के ला दे कह रहा आज कटमा कर दे डाणी आड़े उखेड़ के अगर तू इतने आवे तो कह दियो तीर्थ यात्रा पे कर गो अयोध्या ठीक है। दुष्ट पापी तें जे तीर्थ यात्रा पे मर घटा पे तो तू ही जाने दूसरा बताऊं क्या कहते हैं। नजरे डाल रहे थे स्कूटी भाई की रे वा पापा तो भाई लंगो ढेल रही मोबाइल बज रहा हुआ है दे रहा मोबाइल दे रहा कि नहीं ले पापा जो कहा देख रहे थे राम 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 ये सब देखा था मैं अरे तुम बूढ़े बाप पे हमला छल लगा रहा हूँ देखा तो किया तो पापा को वो फोन आ रहा दे 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 वो जाते हैं दस बार जा हेलो अरे बोलो यार तुम आई रहो तो बहुत इंतजार तो पंडित जी है मोड़ा को भी आ अरे अब हम ही तो कुंगले धरे यार तुम मोड़ा मोड़ा की चर्चा करते रहे उम्र का हम आई जब 16-17 साल हुई है हाउस लड़का लड़का और हम संगी तो भाई यार मोड़ा और हमारी उम्र में देखो कोई फर्क नहीं है। अरे यार मोड़ा भाव जब हम पापा बने दो जनों कही जाते मोड़ा तो ना पहले होगा जब बाद में हम पापा बने हैं तो हमारी कम कहानी क्यों की कहानी अरे तुमने इस प्रकार रहा हम बिल्कुल जवान है लगा तब तो धरे हम बिल्कुल निखट लड़ूंगा कहाँ जाने नॉन पानी चलो हम बिल्कुल तैयार हो क्या भाई जा रहे मोड़ा हुसी संग दुआजे है जुगाड़ अगर हमारी नहीं बनी तो मोड़ा की तो बनाइए देखो हम मतलब जो है हमारी बनी और नहीं बनी ए तो कम से कम मोड़ा हो तो फसवाई जाए कत कर लूटू लूटू हाउ चल हम बस 5 मिनट में तैयार होके निकल रहा है ठीक है आज की नहीं कही उन्हें आवे की चल ठीक है ठीक रखो तब जय राम जी जय राम जी। अरे सावन रिश्तेदार आ गए पापा ओ बड़े पापा वे रिश्तेदार आ गए रिश्तेदार कौन अरे जयराम जी जयराम जी हम सभी कर लो बूढ़े हो गई जैसे दिखाना बैठो रिश्तेदार कहा है कि देखो पापा की नजरों की तना कमजोर हो गई है और क्या हो गए बैठो बैठो आ तुम भी बैठ जाओ बैठो पापा बैठो बैठो।
अच्छा जी हमारे पापा हाँ रिश्तेदार जी अपने बड़े पापा यहाँ हमारे अभी ये जो अपनी दिशा है वो के बड़े बे पापा दूसरे यहाँ। अच्छा पापा जो तो सबसे छोटा लग रहा हूँ। अरे हाँ उन्होंने कम न समझ तीन बाल बच्चे हैं अबे और सुनाओ तो रिश्तेदार कछु नहीं रिश्तेदार काम खेती बाड़ी को चलाते रहा। अच्छा अच्छा अरे हमारे अभी पारो तो एक बिटिया को ब्याह करो आवाज सुनो अरे निपट जाए। अरे चलो सही है निपट गए है टेंशन न लियो हम तो आ गए हैं। अब कह देखो पापा की उम्र भी ढलक जा रही धीरे धीरे हैं अब कहीं कहीं जा तो 65 साल के हो गए हमारे पापा। अच्छा 65 साल के। अच्छा हाँ तो नन्ना जने भी कमजोर हो गई अभी तो आंखें बनवा के लाए। टेंशन न लियो अब हम तो आ गए हैं तुम्हारी बिटिया कुमारी रह नहीं सकते यार पापा आपसे कह रहे हैं। अच्छा हम कह रहा है टेंशन कहा है अब तो तुम ससुर बनवे वाले हो। अरे कौ के रहा जी। अरे जा या के इनके लड़का के कह रहे लड़का के ससुर बनवे वाले हो तुम। हाँ। बेटा हाँ ठीक है तो पापा उठे आते थे मैं सल पहाड़ के लाना है बोले तो जी नमकीन उठे। हाँ पापा हाँ ठीक है चलो जाओ जाओ जल्दी अद्यो। अरे काका जा के रहे हम रिश्तेदार आ गए घर कहाँ घूम रहे तुम। अच्छा आओ। अरे मैं तो ना हाल लोग आओ तू आओ पापा बैठे होते तुम सोई चले जाओ। हाँ हम तो जा रहे हैं कहाँ के आए अब ये बता क्या है फोन लगाओ तू जा बमोरी बारे आवे। अच्छा उन्हें फोन लगा दो। हाँ 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 और देखो भगत जा रहे हम चल पहाड़ ले मैं कुछ खावे पी नाश्ता तैयारी को। हाँ हाँ जल्दी ले आज तुमको बता हम जाते गाड़ी से आया अच्छे बड़े आदमी कहानी तो गाड़ी माड़ी से आया बढ़िया। अरे रिश्तेदार कब के आए। अरे जय राम जी भैया जय राम जी रिश्तेदार आ गए सब मजेदारी। हाँ सब मजेदारी बैठो बैठो। हाँ हम बैठे हैं अब दाऊ तो बैठे हैं। हाँ हम बैठे जा रहे हैं ना। हाँ हाँ हम कुर्सी उठा ले हमें इधर। हाँ उठा लाओ और तेरा राखी ससुरील ढोंडिया नहीं दिखा रही कहाँ गई। कौ देख रहे थे नहीं है संदन ऐसा देख रहे घर को नजारो और सुनाओ तो क्या सुनना हाल चाल और कछु नहीं खेती बाड़ी को लग रहा हो। खेती बाड़ी को लग रहा है संदन जाओ चाय बना खिलाओ। चाय हाओ अब चाय भाई नहीं है। अरे दाऊ तुम्हारा जो ही तो काम बेकार है हर काम में लेट करा ध्यान भूल जाता। वैसे चाय की कहा जरूरत यहाँ है कैसी बात कर रहे रिश्तेदार तुम्हें ना चाय पी रहा तो कब करिए ना चाय पी रहे हैं। अरे ससुर तो हमारे यहाँ तना मना बात है तो करो चलिए कहे बड़े पापा तुम्हारे बहुत बड़े बड़े हैं। खेत जमीन है जायदाद तुम्हारे मूछे देख के लगा था कि बड़े बड़े तो नहीं है। ऐसी बात कर रहे ससुर से ऐसी बात कर रहे ऐसी बात करी जात नहीं करी जाते। ससुर तो हमारा जो अपना अपना कह लगा अरे कहीं आई हुई जल्दबाजी में रिको हमारे ससुर हम फसा रहा हुआ है खुद की ब्याह की जुगाड़ है कर भी लगे हमारी रोजगारी लुगाई कैसी है इतना देख न रख पा रहे यार ताक झाक करके दिखाई नहीं रही है जा के रहे तो हम आ रहे है जा कर समेट के चले जाओ ये उम्र में हो जाते लीवाई वाली खराबी पता पता नहीं करे वह हम मुश्किल से गुजर चुके हैं। मैं पंखे लगा के आया सावन का मौसम लाया जी करे काय बड़े पापा। हाँ वो बड़ी मम्मी कितनी बड़ी है। अरे बेटा वे इतनी बड़ी हैं हम उनके तय से निकाह जाते तो ना पता ही नहीं चलती जी करता है ये मेरा उनके बोन को छूलूं। नमस्ते दादाजी कहाँ जाने का काम है दादाजी। अरे दादाजी नहीं हम तो देखवे के लाजे आया है। का देखवे के लाने मोड़ी देखवे कौन की मोड़ी हम मोहल्ला में तो कोनों को ब्याह ही नहीं हो रहा। तुम्हारी हो तो देखवे आया है। अच्छा लड़का हूँ देख लिया है मेरे को लड़का हाउस हो दादाजी जाके जाके बैठो मैं पापा हल लो उतारी से तो आए हैं मगर हाउस जा तो रहे हैं दादाजी ने क्या
गया जो बड़ा पिटवाना दे हमारे का जो मुरी गृहस्थी बस भी से पहले लुटा दे रहे कह बड्डे पापा हम तो ना जो कर के आते हैं लगाते इनके पूरे खानदान की जब पे सबकी समस्या है। अरे बुढ़ा डुकरा अंदर पड़ो का ऐसा नहीं पड़ोगा अजीब इंसान है बुढ़ा। माल है क्या चाल है कमाल है कितने गए थे। अरे मस्त लोंडिया रे मस्त पटाका। अरे जीवन में तुम अच्छा काम तो करो। अरे तुम मैं तो बहुत पहले से सोचे तेरे कैसे ऐसा अच्छा काम करे बेचारे। अरे हमें अच्छा लग रहा। अरे कहूँ नहीं गए थे तनका है जा तना प्रॉब्लम है। अच्छा दुई जनो हो हमारी तना कम ही की ज्यादा है हम तना नैसे परिवार गए जो मोरा रिश्ता हो गया पहले तोड़वा दे बुढ़ा। तो कही है बेटा तेने नहीं मैंने नहीं कही तो उसे कहा हो क्या तो मोर मसी हवा निके आओ है जा के चाय आ लियो बुद्धि सा के हाथ में पहुंचवा दे दियो मोर रिश्तेदार जमीन जागा कितनी है जितनी भी है तुमसे तो बड़ी है। रिश्तेदार जगह हाँ। अरे हम सब पूछू का पता अच्छा। जगह है रिश्तेदार अपनी इससे हुआ 8 एकड़ अच्छा। भाभी हमारी पूरी हमारी नाम पे है अच्छा। आओ। जो कार्य मोर रिश्तेदार के सामने बेइज्जती कर रहा हो जो मेरी तारीफ कर रहा हो कि मोरा रिश्ता तोड़वा दे है काज अबे तक नहीं आई मोड़ी। हाँ आई रही आ जाओ पूछी रखो इधर आप। अरे हाँ उठ चलो आ जाओ तो सा। अरे हाँ हाउ हाउ ले आ तो हम बैठ जाओ तो बैठा बैठा बैठ जा। अरे तुम इतने बैठ जाओ आ जाओ ले 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 बैठ बैठ जा रखी हो लड़का ना बैठा बैठो बैठ जा बैठ जा। शर्मा में अक्का शर्मा ने अपन हो हैं वैसे ही रिश्ते जोड़ व्यवहार है वो व्यवहार ससुर की चाहत मुई मोड़ी हो तो खुश रखे लुगाई मोरी बुढ़ा चांस मार रहा है उस साइड जाना पड़े चल बैठ बैठ। हराम को पिल्ला कहाँ जा रहा हो रे बैठे तक साइड में जा रहा है कहूँ नहीं जाने यार क्या चाय पी ले तो कहना हो आपको दिशा दिशा पढ़ाई करी क्या मी एमी चा कौन सी पढ़ाई करी या का कहा उतरी पढ़ाई अच्छा तो फिर लड़का कैसे लगो बताओ ठीक है लड़का पसंद है अरे बात पक्की हो गई रे हमारी। क्या सज्जन सिंह इसे तो वहाँ वहाँ कह रहा था अतिया जा के क्या क्या करने रिश्तेदार तो साजी से लग रहे। अरे अब दाऊ तुम तो हो तुम्हें क्या करने हमारे आज हैं उस जा के रहे मोड़ी का कह रही पर बात तो हाउ कह रही हाउ कह रही आए तो जैसा तुम ठीक समझो वैसे या हमें अभी सब ठीक कहा नूर कर। अरे हम ले बताओ हाँ वो तो तुम जे कसु ठीक समझो वही कहानो तुम्हें तुम्हें पसंद है हमें तो पसंद है सब कछु हाँ तो कहा हमें तुम्हें पसंद सु हमें पसंद है यार दाग और कहा हाँ कर दूँ तुम तो हाँ ठीक है तो हाँ कर दे और कहा हाँ कर दूँ या क्या हम चटा बिछुआ नाश्ता हो जाते बातें हो जाए हाँ नाश्ता हाँ हाँ नाश्ता तो हम कल हाँ हाँ कल ले नाश्ता ले आओ और कहा हम चटाई ले जा रहे हैं तो विशाल जी रहते हुए और नाश्ता मास्ता बुलवा दे।
पहले तो दिशा के पे हम ही गए थे। फिर लग गया क्या? जा कहीं डाउ। हाँ। तो बिस्वाद ही चटाई वो कमरा और सु दिशा हो के दूसरे नाश्ता मास्ता ले आवे और सुनो के दूसरे बैठ जाओ। क्या क्या दिशा नाश्ता वास्ता लेके आ जाते हैं? हाँ जल्दी आ जाओ रे नो अभी आ जाओ ना। इतनी जगह पे तो कौन भी बैठ ही नहीं सकते। चलो कर घोड़े साइड करा। हाँ मैंने कहा था जूता सतरी कैसे होता है हवे आए तो बैठो तुम्हारे बात से वो लड़ा रहा हूँ रब पे 300 उतर रहा हूँ इतने तो दिशा डालिंग के अलावा कौन भी बैठ ही नहीं सका। कभी तो जो लगा दे जूते तुमने कर लिया क्या कहीं बड़े पापा? हाँ। सब दे आए हैं और का नाम से आराम से डिस्को डांस जाके रहे जो चक्रवी सो बना के ले आई हो हमारे तो मतलब जो रिवाज है कि ऐसे ही रीति रिवाज हो जो हमारे तक रीति रिवाज है बहुत अच्छा रीति रिवाज है यही से तो तुम पसंद हो माला जी हैं दाऊ। अब जब उनकी बहू मतलब बनवे बारी है तब ससुर हम तो पसंद रहे थे के ले रहे हैं। चलो हुन दो तो नाश्ता। हाँ नाश्ता पानी हम कौन खाते हैं? सुन ना कटवा दे मोरी बुढ़ा घूस अपना खाते या ना खान दे है हमें हो थोड़ी वजह से ब्याह मिठे चुप को आके रहे कैसे नहीं किया करो तो नाश्ता करो क्या दूर का नाश्ता कर रहे तो चैन पर है रे चलो कछु बात नहीं यहाँ इतने लगे हो तो कर ले रहे हैं कोई नाश्ता कर रही हो तो आए आओ अब रीति रिवाज भी चल जा हमारे चाहे की आओ धाव जा कहीं एक चीज खाते पीते घर के कहाँ पता नहीं ऐसी के अपन हम बच्चे के नहीं बच पाए बच्चे का इतने सुनी खाते पीते तुमने बुढ़ा जहाँ देखो बेइज्जती कराउते है तो मुंह को तोड़ के डाल दो नहीं बचू तो खा तो का खाए घुंटिया पापा चिंता मत कर बन्ना बिल्कुल टेंशन न ले खाते पीते घर के यहाँ सब खा ले अंदे कछु नहीं भूखे हुई है अब सवेरे से निकली ना मना और मिल जातू तो मंजे नहीं आ जातू और बोलो मैं तो का भुक्कर समझो का हाँ हाँ टाइम पास है कोड़ कोड़ा इधर तो जब जो टाइम पास इतो सारो कराते हैं फिर खाट कितो हुई है हाँ हाँ तो अब सवेरे से निकली सो अब भूख सब में लगे अब फिर इसे आवे होगा तो खाना पीना हाँ अब खाना पीना होगा है सब तो अब ऐसो करो कि इतना लड़का और लड़कियाँ इतना बात कर लो अंदर जाके हाँ। और कह कह दाऊ सही में हाँ सही कह रहा और कहना ध्यान के दिन आगे दिक्कत नहीं होने लगा तेरे से मैं सो अब लड़का हूँ कह दो सो मतलब बात कर ले हाँ, कर लो तो और कह हाँ अकेले में मौका में लगा हुआ है कहने बात कर सात जना मैंने भाऊ ने हाँ बैठे थे रुका यार अरे दाऊ ये सो अब लड़का हम नहीं जाने अब दद्दा जा रहा हुआ है अब संस्कार हिल अब दमाद और कई से अब दद्दा जा रहा हुआ है सो मतलब बातचीत कर ले है और का अब दद्दा के सामने लड़का कैसे कर ले बात हाँ तो आ जो बुढ़ा यार हमारा करना पसंद है पता खुद चलो जाता मैं जाने सो काम लाओ तो हमारे लाने चलो दे रहा हूँ।
आजा। तो पसंद है बताओ। हाँ पसंद है। कछु दिक्कत तो नहीं है? नहीं कछु दिक्कत नहीं है। ऐसी के ना तुम आदमी ने कछु उमर मुमर की इलाज है, तुम सही है सब? हाँ सब ठीक है। सब ठीक है ना? हाँ। ना तुम कहने लगो बाद में के उमर ज्यादा है कि कम है, तो जो नहीं है अपने कहते सब सही है बाद में। हाँ वैसे हम तुम्हारी राय ले वो चाहते कि तुम हो के दियो, बाकी तो बहुत दद्दा की टेंशन नो इया हमें। हाँ हमारी तरफ से तो हाँ है। बस तो तुम्हारी तरफ से हाँ है, फिर तो भगा के ले शादी कर ले, बाकी दिक्कत न लियो तुम। ठीक है, आओ चलो आओ।